स्वागत आप सभी का। खबरों का 50-50 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जल जीवन मिशन में लापरवाही पर एक्शन अब हुआ है। सीएम साय के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। काम में लापरवाही बरतने पर कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित कर दिए गए, 4 को नोटिस जारी किया गया है और सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है, 2 टूक उनकी है, अधिकारी गंभीरता से काम कर लें, समय पर निर्धारित लक्ष्य जो हैं वो उनको पूरा हो जाना चाहिए। जल जीवन मिशन में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये डिप्टी सीएम ने भी कहा है। अरुण साव भी ये बात कहते हुए नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, अधिकारी गंभीरता से काम कर लें वरना अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। मुख्यमंत्री के साफ तौर पर 2 टूक इस पूरे मामले में सामने आई है और जल जीवन मिशन में लापरवाही पर एक्शन भी लिया गया। ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है, सीएम साय के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निलंबित कर दिए गए और 4 को नोटिस भी जारी कर दिया गया, गंभीरता से काम करने के लिए कह दिया गया है। जो तय समय सीमा है उस काम को उस समय सीमा में ही पूरा करना होगा और ऐसा नहीं किया जाता तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा, ये भी साफ तौर पर कह दिया गया। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, जानकारी दीजिए मामले पर। आकाश आप सुन पा रहे हैं? जी आकाश, मामले पर जानकारी दीजिए। 4 अधिकारियों को नोटिस जारी और 6 को सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर पिछले दिनों समीक्षा की थी, इसमें लापरवाही सामने आई थी तो मामले की जांच चली और इसमें जो है 6 को निलंबित कर दिए गए हैं, 4 को नोटिस दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसके निर्देश जो है विभागीय अधिकारियों के द्वारा जारी करवाए हैं। बता दें कि लोगों को स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग में जल जीवन मिशन के कार्यों की लगातार समीक्षा चल रही है और जहां भी खामियां पाई गई है उसको दूर करने के लगातार निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने मामले में इस योजना में जो है लापरवाही बढ़ती है, उसका नतीजा यही हो रहा है कि लोगों को सेवाओं का लाभ जो है वो देरी से मिलना शुरू हो रहा है, हम लगातार खामियों को दूर कर रहे हैं। इसे लेकर जो है पिछले दिनों केंद्र में भी बैठक हुई थी और इसकी समीक्षा की गई थी तो केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें और ये योजना का लाभ 100% लोगों को मिले सुनिश्चित किया जाए। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।